सीएम मोहन यादव ने जनाभार यात्रा में गदा और तलवार घुमाई, 1.5 किलोमीटर तक रोड शो किया। सागर में स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को पहली बार बतौर सीएम सागर दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर जनाभार यात्रा की। 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में उन्होंने तलवार और गदा घुमाई, ये उन्हें लोगों ने भेंट की थी। रोड शो के बाद वे पीटीसी ग्राउंड पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सागर जिले में राज्य विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है, यह जून महीने से शुरू होगा। जनसभा के बाद सीएम कलेक्टर कार्यालय में संभागीय बैठक ले रहे हैं। सीएम की जन आभार यात्रा पुलिस लाइन गेट से शुरू होकर विवेकानंद चौराहे, जिला पंचायत चौराहा, चर्च चौराहे, लाल स्कूल, झंडा चौक, काली तराह होते हुए MLB तराहे पहुंची। यात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह मुख्यमंत्रियों का बुंदेली परंपरा और संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया गया। आभार यात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव भी साथ रहे। वहीं आभार सभा में मुख्यमंत्री ने सागर जिले के 62.03 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिनमें पहला सागर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित 26.80 करोड़ के बस टर्मिनल, दूसरा 13.87 करोड़ के ट्रांसपोर्ट नगर और मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स, तीसरा 6 करोड़ के 20 चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स आंगनवाड़ी, 442 रुपए में 2 जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर, पांचवा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 1.94 लाख के कनेरा गोड से मनकियाई मार्ग लंबाई 2 किलोमीटर, छठवा 3.57 करोड़ के लरेठी से तहरोली अब्दापुर मार्ग लंबाई 3.10 किलोमीटर, सातवा नगर निगम द्वारा निर्मित 1.17 करोड़ के मीट मार्केट, आठवा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 8.26 करोड़ के NH से रवारा से बुड़ना मार्ग शामिल है। वहीं सीएम मोहन यादव ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्मित किए जाने वाले 10.94 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है, इसमें से अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के तहत 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नरियावली विकास खंड राहतगढ़ का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य कार्य शामिल हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर यादव अब तक उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और भोपाल शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक ले चुके हैं। इन बैठकों के बाद 9 जिलों के कलेक्टरों को हटाने की कार्यवाही हो चुकी है, जिसमें से शाजापुर और गुना के कलेक्टर हादसे के प्रति लापरवाही और ड्राइवरों के असभ्य तरीके से की गई बात के बाद में हटाए गए हैं। इसके अलावा उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल के कलेक्टर सीएम की बैठक में बदले जा चुके हैं। जिस दिन रीवा में बैठक थी उस दिन रीवा संभायुक्त बदले गए थे। इसके साथ ही चंबल, नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा बैठक होना बाकी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।